तुम्हें? गाली नहीं। एक मिनट, कैप्टन के गाली ना देने की बात पे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब लड़ते हुए गाली तो बनती है। ठीक है यार। क्या हो गया छोरे, दिखाई ना दिया? छड़ी ढूंढ निकालो। याद है ना सालो, कोई गाली मत देना। हाथ धो के पीछे पड़ गया मेरे। यहाँ सब कंट्रोल में है। तो फिर बैनर को संभालो, लोरी वोरी सुनाओ तो और हाल की रिपोर्ट दो। नर्क की दीवारें उसके शिकार की चीखों से गूंज रही है। पर वो चीखे मरे हुओं की नहीं है। अगर आप इन्हें मेरी लैब में लाते तो हमारी टेक्नोलॉजी इन्हें 20 मिनट में ठीक कर। ओ, इसका तो पैकअप हो गया, मर गया। टाइम लिखो। नहीं नहीं नहीं, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। मैं प्लास्टिक का जो बनने वाला हूँ। अटक जाओ। तुम जैसी शरीफ लड़की इस तरह के पेशे में कैसे आ गई? मेरे साथ धोखा जो हुआ है। वैसे उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो इतना गलत था? कम वक्त ने कुछ किया ही तो नहीं, पर आगे बहुत कुछ हो सकता है। मैं कुमारों का कैप्टन होने के नाते तुम्हें एक सलाह देता हूँ, ज्यादा इंतजार मत करना। हाँ हाँ, जिसके हाथों में होगा ताज वही करेगा सब पर राज। बकवास है यार, जरूर कोई चाल। अगर ये बात है तो उठाकर दिखाओ। चुनौतियों से तो मैं आज तक नहीं भागा। जरा हटे तो राजा मैदान में। दिमाग का खेल है। दिमाग का? अगर मैंने इसे उठा लिया तो क्या मैं असगाट पर राज करूंगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम 100 रानियां रखूंगा। माँ कसम, ये फिंगरप्रिंट से चलता है, एक सुरक्षा कोड की तरह है ना। अगर मिल गए थोर की उंगलियों से निशान तो उसी को मिलेगा सम्मान। पर अगर हम हथौड़ा लिफ्ट में रख दे तो लिफ्ट ऊपर जाएगी और लिफ्ट तो उसके लायक भी नहीं। ए, ये बीमारी तो फैल रही है। हाँ तो जाकर बात कर बेटा। बात निकली तो बड़ी दूर तक जाएगी। तुम टोनी, इस वक्त ये बात करना ठीक नहीं होगा। अच्छा, बस हो गया? कोई जरा सा गुर्रा है और तुम दुम हिलाने बैठ जाते हो, क्यों, क्या हो गया? अगर हत्यारा रोबोट बनाया हो तो? हमने नहीं बनाया। सब्र की जरूरत है पूरी तस्वीर देखने की। ना देखने मुझे पूरी तस्वीर, मेरे पास मेरी फोटो है और मैं तो उसी को देखूं। ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। किसी को कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं। जाहिर है तुमने कभी ऑमलेट नहीं बनाया। अरे यार, ये जोक तो मैं मानने वाला था। और हालात बताओ। लड़की हमारे दिमाग को छेड़ने चली थी। होशियार रहना, एक आम इंसान इसे बच नहीं पाएगा। शुक्र है हम महाशक्तिशाली है। अब मेरी बात सुनोगे? वो छोटी डायन तुम्हारे दिमाग से खेल रही है। तुम ताकतवर हो और उससे ज्यादा होशियार हो। तुम ब्रूस बैनर हो। सॉरी भाई, पिद्दे वाले बैनर की बात नहीं करूंगा। सोजा मुन्ना, अब सोजा, चल सोजा। माफ कर दे भाई, वो सब कुछ मिट्टी में मिला देगा। तो उठो और उस साले टीन के डब्बे की धज्जियां उड़ा दो। स्टीव को ऐसी भाषा पसंद नहीं आती। ये जोक पुराना हो गया नताशा। क्या हुआ छोरे, दिखाई ना दिया? आजकल तुम जिम जा रहे हो क्या? बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो? कहना तो नहीं चाहता लेकिन तुम कुछ सूझे हुए बहुत घुमा रहे हो ताकि लोगों को बचा सको। हाँ, लेकिन यही तो मिशन है। आ रहे हैं। कैप्टन, हमलावर आ रहा है। आया भी और गया भी। बड़े गुस्से में लग रहा है, मैं उसका गुस्सा बनाए रखूंगा। वो तुम्हें मसल के रख देगा कैप्टन। थैंक यू बार्टन। इन टिन के डिब्बों को चीर के रख दो। अगर चोट खाओ तो चोट पहुंचाओ, और अगर मारे गए तो मुझसे शिकायत मत करना। तुम सबको नहीं बचा सकते। तुम कभी भी। कभी भी क्या? अबे बात तो पूरी करके जा। ठीक है, मारे हैं। चल भी लेता हूं। किसी को पता तक नहीं चलेगा, किसी को नहीं। यूरी साले, हमारी याद आई गई। ओ, तो तुम्हारे मुंह से भी फूल झड़ने लगे। हम थोर हैं, ओडिन के बेटे, और जब तक हमारे सीने में जान है हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तैयार हो? एक बार अब ये कहानी सुनाने में मजा आएगा। हाँ, अगर सुनाने के लिए जिंदा बचे तो। तुम्हें लगता मुझ में दम नहीं है? दम? अगर दम दिखा दिया मैं तेरा गुलाम। अब रुलाएगा क्या? बस इतना ही कर सकते हो। पूछना जरूरी था। नताशा, तुम कहीं बैनर के साथ गाने मत गाने लगना पेड़ के पीछे। बकवास बंद करो, तुम्हारी तरह सब उड़ नहीं सकते।
एक तरफ तुम सब, एक तरफ मैं, तुम सब भला मुझे रोकोगे कैसे? जैसा कि हमारे बुढ़ऊ ने कहा है, साथ मिलकर तुम सबसे भिड़ना महंगा पड़ा। इस बंदे को बिल्कुल कदर नहीं है बगीचे की। मुझे वो बड़ा याद आएगा और तुम्हें मैं बहुत याद आऊंगा। आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी। अब दीवार को घूरती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? नहीं, वैसे ये दीवार तो अच्छी है। मुझे लगा तुम और जोनी अभी एक दूसरे को प्यार की झप्पी दे रहे होंगे। अमर रहने वाले ही खुश नसीब नहीं होते, इंसानों के बीच रहना ही खुश नसीबी है। तुम बच्चों जैसी बातें करते हो। हाँ, कल ही तो पैदा हुआ हूं मैं।